13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉन्कोर्डिया से शाम को लगभग 7:18 पर इटली के सिविटा वेचिया से रवाना हुआ। शिप पर लगभग 1023 क्रू मेंबर्स और 3206 पैसेंजर्स सवार थे। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सवोना, जहां पहुंचने में एक दिन का समय लगेगा, लेकिन जहाज को चले सिर्फ 2.5 घंटे ही हुए थे। लगभग 9:45 पर सभी को एक भयंकर तेज आवाज़ सुनाई देती है और जहाज की पूरी लाइट चली जाती है और जहाज एक तरफ टिल्ट होने लगता है। जहाज के कैप्टन ने लोगों को बताया कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू है, बट असल में बात कुछ और ही थी। उस दिन इस जहाज के कैप्टन फ्रांसिस्को सिटीनो थे। असल में क्या हुआ था 13 जनवरी की उस रात को, क्या वजह थी कॉन्कोर्डिया जहाज के इतने बड़े हादसे की और क्यों कैप्टन सिटीनो को इन सब के लिए दोषी ठहराया जाता है, आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए निकलने के 2 घंटे के बाद ही जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है और ये कोई गलती नहीं थी। कैप्टन इस जहाज को जानबूझकर इटली के एक आइलैंड गिगलियो के पास से ले जाना चाहते थे, लेकिन कुछ देर बाद ही ये जहाज आइलैंड के पास पड़े पत्थरों से टकरा गया, जिसने जहाज को लगभग 70 मीटर तक चीड़ दिया। उस रात जहाज पर 2 इंडियन क्रू मेंबर्स मौजूद थे, एक थी कारनाथा रामेशाना और दूसरे थे रसेल रेबेलो। ये दोनों आखिर तक फंसे हुए लोगों की मदद करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रसेल खुद की जान नहीं बचा पाए। इंडियन वेटर रसेल रेबेलो इज सेड टू हैव डाइड आफ्टर गिविंग अप हिज ओन लाइफ जैकेट टू सेव वन पैसेंजर एंड हेल्पिंग अदर्स इनटू लाइफ बोट्स। और दूसरी ओर 11:19 पर कैप्टन फ्रांसिस्को सिटीनो शिप छोड़कर भाग गए। रात को 12:42 पर इटालियन कोस्ट गार्ड के कमांडर डी फाइल को कैप्टन सिटीनो को कॉल लगाते हैं और उन्हें जहाज पर वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी कैप्टन शिप पर वापस नहीं जाते। सुबह तक जहाज से 2500 से 3000 पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम और आइलैंड के बाकी लोगों के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी होती है। रात में पैसेंजर्स को आइलैंड के चर्च, स्कूल और कैंटीन में रेस्ट करने दिया जाता है। बाकी जहाज में फंसे पैसेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन अगले 2 से 2.5 हफ्ते तक चला और इस हादसे में कुल मिलाकर 32 लोगों की मौत हुई। इसके बाद कैप्टन पर लीगल केस भी हुए और 2017 में आकर सिटीनो पर मैंस लाफ्टर का चार्ज लगाया जाता है और 16 साल की सजा सुनाई जाती है। कैप्टन के अलावा 5 और क्रू मेंबर्स पर आरोप लगते हैं, जिन्हें 2 साल की सजा दी जाती है।